हेलो गाइस, एक बार फिर वो कैब को याद करने का बहुत ही आसान, सरल और बहुत ही शॉर्ट तरीका लेकर उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं कि ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है, ये भी आपको पसंद आएगा। जैसे कि आपने पहली जो ट्रिक है वो आपने हमारी पहली ट्रिक को बहुत पसंद किया है, तो इस ट्रिक को भी आप बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम वो कैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज मैं कुछ ट्रिक्स के माध्यम से फिर आपको वर्ड्स याद करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो वर्ड है उसको हम लेकर चलते हैं एक, इसको भी हम कई तरीके से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे कि लड़का है एक हर्ष, जिसका नाम है हर्ष। क्या नाम है उस लड़के का? हर्ष। और वो हर्ष क्या है? बड़ा ही उपद्रवी है, बड़ा ही कठोर है, ठीक है। तो हर्ष क्या है? कठोर, उपद्रवी, उपद्रवी मतलब जो शरारत करता है, कठोर का मतलब बड़ा ही जो कठोर है। तो जो यहाँ पर हर्ष है वो क्या है? कठोर है, उपद्रवी है। और कठोर उपद्रवी को याद करने के लिए हमने इसके साथ जो सिमिलर वर्ड्स है उसको याद करने के लिए क्या हमने क्या किया है, यहाँ पर एक गाड़ी लॉन्च हुई थी इसके साथ में, जो हमने ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, एक गाड़ी लॉन्च हुई थी, कार लॉन्च हुई थी, और जो नई तरह से मतलब नई गाड़ी थी जिसका नाम था SUV, ठीक है, कार, ठीक है। मार्केट में जो SUV कार लॉन्च हुई थी वो हर्ष की तरह ही क्या है? उपद्रवी है, हर्ष की तरह ही क्या है? शोर करती है। तो हम यहाँ पर देखेगा SUV कार जो हमने एक ट्रिक बनाई है इससे कितने वर्ड हम याद कर सकते हैं। तो हम एक वन बाय वन लेकर हम चलेंगे। तो पहला जो वर्ड है आपका, पहला है S फॉर और यू, S मैं इसको लिख लेता हूँ, SUCAR। हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे S फॉर क्या होता है, U फॉर क्या होता है, V फॉर क्या होता है, और आपका C फॉर क्या होता है, A फॉर क्या होता है। चलिए पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड है S। S को S फॉर होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी क्या होता है? कठोरी होता है। और इसका एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट की जगह एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, स्टिफ, स्टिप भी कठोर होता है। और दूसरा वर्ड भी हम इससे बना सकते हैं, स्टिप से इसका जो हम बना सकते हैं क्या होता है, शार्प, शार्प वर्ड भी हम इससे याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो S है, हमने पहला S फॉर स्टूडेंट या S फॉर स्टिप या S फॉर शार्प, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है? सेम है, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनका मतलब ही कठोर या उपद्रवी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यू मीन्स अप्रोरियस, यू फॉर अप रोर, RORIOUS, अप्रोरियस भी क्या होता है? कठोर होता है, अप्रोरियस भी क्या होता है? इसको कठोरी कह सकते हैं, अप्रोरियस, अप्रोरियस मीन्स भी कठोर होता है। अब चलते हैं आगे, V फॉर वोसी फेरियस, क्या है इसका? वैसी फेरियस, इसका मीनिंग भी आपका क्या है? सेम है, वैसी फेरियस भी क्या होता है? कठोर या उपद्रवी। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड क्या है? C, नेक्स्ट वर्ड आपका C, फिर A, और फिर क्या है आपका? C फॉर कट, कट भी क्या होता है? कठोरी होता है। A फॉर आर्डुअस, आर्डुअस भी क्या होता है? कठोर। और R फॉर क्या होता है? रिजिड, R4 रिजिड।
अब इस तरह से हमने कितने वर्ड हर्ष के द्वारा कितने वर्ड्स हम याद कर लेते हैं, लगभग 6-7-8 वर्ड हम इसके द्वारा याद कर लेते हैं। पहला वर्ड है एस फॉर स्टूडेंट या स्टीफ या शार्प, यू फॉर अप्रोरियस, वी फॉर वोसिफेरियस, सी फॉर कार्ट, ए फॉर आर्डवर्स, आर फॉर रिजिड। इस तरह से यहाँ पर आप 6 वर्ड्स इसके द्वारा याद कर लेते हैं। क्या हुआ, मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने क्या देखा, घोस्ट देखा। और घोस्ट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। मींस जब कोई हम ज़्यादा विशाल अपने से ज़्यादा बड़ी चीज़ को देख लेते हैं, जनरली बात है, उससे हमें डर लगता ही है। और हम बात करते हैं घोस्ट की, बड़ा है क्या होता है, ह्यूज। ह्यूज मीन्स क्या होता है, विशाल, विशाल, बड़ा, ठीक है। जिसका साइज ओवर साइज जो हो सकता है वो क्या होता है, ह्यूज होता है, बड़ा होता है। और क्या है कि ज़्यादातर कभी कभी नहीं, अधिकतर होता क्या है, घोस्ट। इसको याद करने के लिए मैंने किससे जोड़ दिया, हीज को याद किससे जोड़ दिया, घोस्ट, GHOST। घोस्ट क्या होता है, वो एक उसका एक विशाल साइज होता है, बड़ा साइज होता है। और बड़े साइज से क्या होता है, जनरली डरी होता है। और भूत, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ उसमें मतलब ज़्यादातर क्या चीज़ है, कॉमन मैन से हर चीज़ उससे बड़ी ही होती है। तो यहाँ ह्यूज को हमने किससे जोड़ा है, घोस्ट थे। और घोस्ट से याद करने के जो वर्ड्स हैं, देखिए कितने वर्ड्स हम इसके द्वारा याद कर सकते हैं। यहाँ पर कितने वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, 5 GHOST। तो यहाँ पर 5 वर्ड्स हमें दिख रहे हैं। और हम इस जो वर्ड्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम जी पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा HOS और टी, ये इस तरह से 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे 5 ही वर्ड्स बन सकते हैं। और 5 क्यों, इनसे तो बहुत सारे वर्ड्स भी बन सकते हैं। जैसे हम पहले लेते हैं जी फॉर, पहला जो शब्द ले रहे हैं जी से, बहुत कई 3-4 वर्ड्स हम इसके बना सकते हैं। पहला क्या होता है, जी फॉर ग्रेट। ग्रेट क्या होता है, ग्रेट भी बड़ा होता है, महान होता है, ठीक है, विशाल होता है। दूसरा वर्ड गार्गेंटम, गार्गेंटम भी विशाल होता है, गार्गेंटुअम, गार्गेंटम या गार्गेंटुअम, ठीक है, ये भी विशाल हो सकता है, गार्गेंटम में से भी विशाल होता है। तीसरा हम इससे वर्ड बना सकते हैं जायंट, जायंट, GIANT, जायंट भी विशाल होता है, ठीक है, ये भी विशाल है, ठीक है। और इसका जो फोर्थ वर्ड है, जो बहुत ही पॉपुलर है अभी, जिगेंटिक, एक भी एक ऐसा वर्ड होता है, जिगेंटिक भी विशाल के रूप में आ सकता है, जो जी फोर हम क्या बन सकते हैं, जिगेंटिक। तो यहाँ पर जी से हम ग्रेट भी ले सकते हैं, गार्गेंटोम भी ले सकते हैं, जेंट भी ले सकते हैं, और जिगेंटिक भी यहाँ पर वर्ड बनता है। इस तरह से हम यहाँ पर जी से 4 वर्ड्स बना लेते हैं, 4 वर्ड्स बन जाते हैं। बनने को तो ऐसे भी 4 वर्ड्स बन जाएंगे, लेकिन ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, गार्गेंटुअम, जेंट, जिगेंटिक और ग्रेट। ग्रेट तो कॉमन वर्ड है। अब बात चलते हैं एच से, एच फॉर ह्यूमनजियस, HUMONGOUS। ह्यूमनजियस भी क्या होता है, ये भी विशाल होता है, ह्यूमनजियस विशाल, ये भी विशाल होता है। ओ फॉर आते हैं, बात आते हैं अब ओ पर, ओ फॉर ओवरसाइज। भाई जब कोई चीज़ साइज से बड़ी हो जाती है, हमें साइज से क्या होता है, वो विशाल लगती है, तो उसको कहते हैं ओवरसाइज होगी, ओवरसाइज है तो वो भी क्या होती है, वो भी बड़ी हो जाती है, विशाल, उसको भी विशाल ही माना जाता है। एस फॉर स्टूपेंडस होता है, एस फॉर STUPENDOUS, स्टूपेंडस भी विशाल होता है। और टी फॉर ट्रीमेंडस, टी फॉर क्या, स्टूपेंडस, लगभग देखेगा एक कॉमन वर्ड है। यहाँ पर होमनजियस, ये भी OUS आ रहा है, स्टूपेंडस में भी OUS आ रहा है। और ट्रीमेंडस, TREEMEN
DOUS ट्रीमेंडस भी क्या होता है, इनका मतलब भी विशाल होता है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं, जो भी वर्ड्स बताए गए, इन सब का मतलब विशाल या ओवरसाइज या बड़े से ही बड़ा ही होता है। तो इस तरह से हमने इस ट्रिक के माध्यम से कितने वर्ड्स, चार और चार आठ, इस तरह से इसके द्वारा भी हम आठ वर्ड्स यहाँ पर याद कर लेते हैं। जी फॉर ग्रेट, या गार्गेंटुअम, या जियंट, या जिगेंटिक, एच फॉर ह्यूमंजस, ओ फॉर ओवरसाइज, एस फॉर स्टूपेंडस, और टी फॉर ट्रीमेंडस। यहाँ पर आठ वर्ड्स यहाँ पर इसके द्वारा, इस ट्रिक के द्वारा हम याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब तक दो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं।